आरा स्थित भोजपुर जिला समरणालय के समक्ष शहर के वार्ड संख्या 45 के पूर्व पार्षद बैजनाथ पासवान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे पूर्व पार्षद ने वार्ड संख्या 45 में आम रास्ते के लिए छोड़ी गई जमीन और उनके घर के बाहर की निजी जमीन पर अतिक्रमण कर दबंगों द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी नगर निगम और स्थानीय नवादा थाना को होते हुए भी इस पर रोक के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही। आमरण अनशन कर रहे पूर्व वार्ड पार्षद ने मांगे पूरी ना होने तक अनशन स्थल से उठने की इनकार करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी किए जाने की बात कही। नगर पालिका के नियम के अनुसार नक्शा पास कराने में चारों तरफ से 3-3 फीट जमीन छोड़ना है। जो आदमी मकान बना रहा है वह बिना नक्शा के बना रहा है और अपना जमीन तो छोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि रास्ते के लिए जो जमीन छोड़ा गया है उसको भी एक्वायर कर रहा है और दरवाजा के सामने जो रास्ता है 6 फीट उसको भी वो एक्वायर कर रहा है। का मामला है ये बहिरो वार्ड नंबर 45 का मामला है। इसके लिए लिखित कंप्लेन नवादा थाना को 16 तारीख को किया गया, 11 तारीख को किया गया, 16 तारीख को नगर आयुक्त के यहाँ किया गया। नगर आयुक्त इंक्वायरी करा करके नोटिस किया सब लोगों को, नवादा थाना को इमीडिएट काम बंद करा करके और 29 के डेट पर हाजिर होने के लिए पूरे कागजात के साथ, लेकिन आज तक काम बंद नहीं हुआ। नवादा थाना आज भी बैठा हुआ है और आज भी काम हो रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम आमरण अनशन, जब तक यह काम नहीं रुकेगा, जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक मैं इनके खिलाफ आमरण अनशन थाना आमरण अनशन नवादा थाना के विरुद्ध में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नवादा थाना अभी तक अपने देख रेख में उस मकान को बनवा रहा है। मियादी अनशन है आपका? वे मियादी अनशन है।